नमस्कार। हम सब लोग कोरोना क्राइसिस को उसका मुकाबला कर रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से हमारा पहला काम तो यही है कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसको हम लोग जीते। पर इसके साथ इकोनॉमिक लड़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों की सरकार से अपेक्षा भी है, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी ग्रोथ को हम बढ़ाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसके कारण विशेष रूप से जो एमएसएमई है इनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। हमारे देश में 29% ग्रोथ में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है, और अभी लगभग हमने एमएसएमई की जो मर्यादा है वो बढ़ाने का निर्णय किया है। संभवतः 8-10 दिन में उसका ऑर्डर निकल जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उसका कवरेज और बड़ा होगा। तो स्वाभाविक रूप से इन सब लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर मैं ये मानता हूं कि ये आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए आज थोड़ा सा कठिन समय है, पर मैं ये भी मानता हूं कि ये एक प्रकार से हमको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। मैंने एक 2-3 दिन पहले जापान के प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, और उन्होंने निर्णय किया है कि उनकी जो चाइना में इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के बाहर लाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा पैकेज जाहिर किया है, ताकि वहां की इंडस्ट्री दूसरी जगह है। अमेरिका भी लगभग इसी लाइन पर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इंडिया ही ऐसा देश है कि जो इस सब स्थितियों का फायदा उठा सकता है, और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को इस पीरियड के बाद हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसे रिजर्व बैंक ने कुछ निर्णय किए, कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी निर्णय किए हैं। आपकी जो अपेक्षा है कि 500 करोड़ तक जो इंडस्ट्री है उसको विदाउट कोलैटरल इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए, आपकी बात जो है वो मेरे हाथ में तो उसका निर्णय करने का नहीं है। पर एक बात मैं आप सबको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे स्टेक होल्डर है और जिम्मेदार स्टेक होल्डर है कि आपको सरकार के बारे में भी सोचना होगा और बैंकों के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि ये सब स्थितियां तभी तक चलेगी कि सरकार की भी आर्थिक स्थिति, क्योंकि राज्य सरकार की भी स्थिति इस समय बहुत अड़चन की हुई है, और स्वाभाविक रूप से इसके कारण हमारे फेडरल गवर्नमेंट पर भी काफी बड़ा बोझा है, और बैंकों की भी स्थिति कोरोना आने के पहले से ही आपको पता है कि बैंक भी एक कठिन स्थिति से गुजर रही है। तो स्वाभाविक रूप से इन सब का इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए, सबके सर्वाइवल की चिंता करते हुए, और जो विशेष रूप से हमारे काम करने वाले लोग हैं, रोजगार जिनको मिल रहा है उनका रोजगार प्रोटेक्ट करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं आपकी जो बातें आपने मेरे पास दी है, मैं इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि आज अगर इकोनॉमी में हमको अगर गतिशीलता लानी है तो मार्केट में लिक्विडिटी लानी होगी, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज है कि बाय एंड लार्ज लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ानी होगी। तो स्वाभाविक रूप से लिक्विडिटी लाने के बारे में कुछ निर्णय सरकारी स्तर पर हमने किए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो मेजर इंडस्ट्री है उन सब लोगों को कि आपके जो छोटे लोगों के पेमेंट्स है, एमएसएमई के प्रोजेक्ट पेमेंट्स है, इसको आप किसी भी हालत में क्लियर करिए। ये करने से क्या होगा कि लिक्विडिटी काफी बड़े प्रमाण पे आएगी। मैंने एनएचआई में हमारे यहाँ जो आर्बिट्रेशन चलता है और कंसुलेशन चलता है उसमें जजेस भी है, हमारे रिटायर्ड अधिकारी भी है, मैंने सबको रिक्वेस्ट किया कि आप 5 बजे के बजाय 7 बजे तक काम करिए, और जो लोगों के लेजिटिमेट जुनाइन क्लेम्स हैं वो 3 महीने के अंदर सब क्लियर करिए, और उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी कनेक्ट करने की व्यवस्था हमने की है। तो अभी 288 केसेस हमारे यहाँ थी, उसमें से हमने करीब 41 केसेस का निपटारा कर दिया है। तो हमारे तरफ से यही करने से मार्केट में मेरे अंदाज से 40-50 हजार करोड़ निश्चित रूप से आएंगे। उसी प्रकार से जो ईओटी है और उसके साथ स्कोप ऑफ वर्क हमने बढ़ाया
उसके पैसे है, कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट्स है, उसको भी हम क्लियर कर रहे हैं ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि ये जो मेजर इंडस्ट्रीज है इनके पास भी एमएसएमई का काफी बड़ा पेमेंट रुका हुआ है। हम पहले सोच रहे थे कि ये पेमेंट के बारे में हम लोग कोई कानून बनाए, कोई कठोर नियम करें, पर अभी वो वक्त नहीं है, हम उस मार्ग से नहीं जाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम सब लोग मिलकर पहली बात मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा से ज्यादा कैसी आए इसके लिए कोशिश करें। हमने एमएसएमई में जो लोन दिया हुआ है वो हमने इंश्योर किया है, करीब 1,00,000 करोड़ हमने लोन के लिए बैंकों के लिए हमने करीब 1.5% प्रीमियम भर के उसकी गारंटी हमने ली है, और 75% जो है वो गारंटी हमने ली है, और केवल 25% का कोलेटरल बैंक को लेना है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें कोलेटरल कम करने के बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कोशिश करूंगा कि जो 1,00,000 करोड़ की जो मर्यादा है ये और 5,00,000 करोड़ तक ले जाने के लिए हम लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहेंगे, ताकि ये लोन जो दिया जा रहा है ये अगर इंश्योर हो जाएगा तो लोन मिलने में आसानी होगी। जो इंटरेस्ट के बारे में आपका कहना है वो निश्चित रूप से मैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इसकी चर्चा करूंगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि अभी जो हमारा रोड सेक्टर है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो हमने पोर्ट्स को चालू किया है, और आपको पता ही होगा कि मैं जब मंत्री था तो हमने 16,00,000 करोड़ के सागरमाला करके योजना शुरू की थी, और जिसमें काफी पोर्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है। करीब 6,50,000 करोड़ के काम हमने शुरू कर दिया है, और मैं मानता हूं कि वाटर ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि आप लोग तो मुझसे ज्यादा अनुभवी है, ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट, पावर कॉस्ट एंड कैपिटल कॉस्ट, हम जितना कम करने में यशस्वी होंगे उतने एक्सपोर्ट में हमारा फायदा होगा, और एक्सपोर्ट इस समय बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है। तो स्वाभाविक रूप से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए आप लोग इस समय जरूर विचार करिए। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें हम लोग काफी बड़े बड़े हाईवेज बना रहे हैं। अभी इस साल मार्च एंड में हमने लगभग वही पिछले साल का ही रिकॉर्ड कायम किया है, और इस साल के लिए 2-3 गुना ज्यादा काम करने का हम लोग कोशिश करने वाले हैं। इसमें जो हमारा टीओटी मॉडल है उसमें 4th बंडल अभी आएगा बीड में, पर उसके साथ साथ बीओटी में भी कुछ प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं, और इसके साथ हाइब्रिड एनयूटी के भी प्रोजेक्ट है, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमने ईपीसी में दी है। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि विशेष रूप से बैंकों को हमने ये कहा है कि हर प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी IRR इंक्लूडिंग लैंड कॉस्ट पकड़कर हम लोग 30 साल के लिए, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन जो उसमें रिजर्व बैंक से मैंने बात की थी, और उन्होंने बैंकों को भी कहा है, हम भी उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन 30 साल के लिए दे, तो 30 साल के लिए अगर लोन मिलेगा तो हमारे पास करीब 450 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसकी कॉस्ट कम से कम 7-8 लाख करोड़ है, जो इकोनॉमिकली वायबल है, जो बैंकेबल हो सकते हैं। तो हम स्वाभाविक रूप से उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट हम बैंकों के साथ टाइप करके हम टोल में एक्सक्रो अकाउंट खोलकर उनको एश्योर्ड करें, और टोल एसेट मॉर्गेज करके बैंक हमको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट दे। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे है कि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी है, तो एक अच्छे प्रोजेक्ट को दो थोड़े से जिसका IRR कम है वो प्रोजेक्ट जोड़कर 3 का बंडल दे के हम बैंकों को दे, और उनका एक्सक्रो अकाउंट खोलकर उनका टोल से हिसाब से पैसे दे, तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट से लेकर कंस्ट्रक्शन तक पूरा उसमें 30 साल में निकले, तो एक मॉडल हमारा काफी अच्छा हो सकता है और ये वायबल है, और इसमें बैंकों का कोऑपरेशन भी मिलेगा और बैंक भी लोन देने के लिए तैयार है। जो PPP प्रोजेक्ट है उसको करने में कुछ PPP में इन्वेस्टर, कुछ प्लेयर्स तैयार है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार फॉरेन इन्वेस्टर के साथ कोलैबोरेशन करके, जॉइंट वेंचर करके भी काफी इंडियन कंपनीज PPP मोड में भी आने की कोशिश कर रही है। ये भी हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस समय हमको इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दुगना करना पड़ेगा, और जब तक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रेलवे है, शिपिंग है, एविएशन है, वाटरवेज है, और इन सब में अगर इन्वेस्टमेंट अब जब तक डबल नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में उतनी लिक्विडिटी आएगी। और ऐसी परिस्थिति में सबसे पहला
उपाय यही होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी ने हमको इसका प्लान बनाने के लिए कहा है, सब मिनिस्ट्री ने अपने प्लान भी तैयार किए, आप सबके सुझाव का भी हम विचार करेंगे, ताकि हम मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए हमारे कंस्ट्रक्शन के जो काम है उसकी संख्या 2 गुना 3 गुना बढ़ाए। तो मुझे लगता है कि रेलवे में अभी भी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतने प्रमाण में नहीं आई है, तो रेलवे में भी काफी नई नई योजना है हो सकती है। हमारे इसमें रोड सेक्टर के अलावा रोड साइड एम्यूनिटीज, करीब 2500 पेट्रोल पंप और एम्यूनिटीज बनाने की बात है, वो भी प्रोजेक्ट हमारे लगभग तैयार है। कुछ लॉजिस्टिक पार्क हम खोल रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों से ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बस पोर्ट, ये एक वायबल है। अनेक करीब देश में 2000 ऐसी जगह है जहां प्राइम लैंड है शहर के अंदर में, राज्य सरकार के स्टेट ट्रांसपोर्ट के पास, और एयरपोर्ट जैसे बस पोर्ट बनाना, इसका भी उपयोग कर रहे हैं। अभी हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि हमको रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे के लिए मैंडेट मिले। हमारी केस अभी नीति आयोग से शायद लॉ में गई हुई है। तो स्वाभाविक रूप से कुछ जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग इन बातों का भी हिल एरिया के लिए विचार करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब प्रयासों से प्रयास के पीछे यही है कि आज की स्थिति में हम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जितना चल रहा है उससे कम दुगुना और 3 गुना का टारगेट रखकर हम बढ़ाए, और इसमें पीपीपी हो, इसमें टीओटी के बंडल के द्वारा कुछ पैसा खड़ा करना हो, कुछ हम लोग इंश्योरेंस और पेंशन फंड ले रहे हैं, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, और कुछ बैंकों को प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट देकर वो हमको दे, इस प्रकार की कल्पना है। अब एक बात है कि हमने रोड सेक्टर के जो काम थे वो शुरू करने का निर्णय कर लिया है, पर सीमेंट फैक्ट्री कुछ शुरू नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से हमें जो भी इसेंशियल कमोडिटीज आवश्यक है उसके लिए बाकी भी की पैकेजिंग लगेगा और चीजें लगेगी। अगर रोड के काम शुरू करेंगे तो स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं शुरू करेगी तो रोड का काम कैसे कर पाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से अभी हमने इसका निर्णय किया, कल मेरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात हुई, हम लोग वहां बड़े प्रमाण पर 4 धाम का और बाकी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर को सूचना दी है और हम लोग जो कोरोना वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए सब लोग मास्क लगाए, सैनिटाइजर का बार बार उपयोग करें और डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसके आधार पर लोगों के खाने की और रहने की व्यवस्था भी उचित करने की जिम्मेदारी लेकर हम काम को शुरू करें, इस प्रकार की सूचना हमने हाईवेज को दी है। हमने हमारे रोड क्लियर कर दिए हैं, अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई अड़चन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज है कि जिसमें आपका इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है कि हम बड़े प्रमाण पर ट्रक ट्रांसपोर्ट को जो हमारा है उसको एलएनजी पर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एलएनजी ये फ्यूचर का फ्यूल है और इसमें कम से कम 50% डीजल की तुलना में कॉस्ट बचेगी, और उसमें भी हम लोग 40 टन के ट्रक का अगर उपयोग करेंगे, 25 टन का ज्यादा करेंगे तो हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करेंगे। दूसरा, हमने जो दिल्ली के बाहर, मुंबई के बाहर, बड़े बड़े शहरों के बाहर हमारे हाईवे आएंगे उसी के बाजू में लॉजिस्टिक पार्क हमको करना है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप क्यों नहीं हमारे साथ इसके लिए ज्वाइंट वेंचर में आए, एक आधा कार्यक्रम करके आप हमको प्रपोजल दो कि हमारे इस रोड के बाजू में आपको लॉजिस्टिक पार्क डालने के लिए तैयार है, हम कोई ना कोई मैकेनिज्म निश्चित करके इसमें निश्चित रूप से आगे जाएंगे। मैं आपको एक और एक उदाहरण दूंगा आपके मार्फत। इस समय हमारे जो जूते है, शूज इंडस्ट्रीज है, चमड़े की और बाकी सब की, उसका टर्नओवर 1,45,000 करोड़ की इंडस्ट्री है और उसमें से 85,000 करोड़ इनका हमारा डोमेस्टिक यूज है और करीब 45 से 55 हजार करोड़ हमारा एक्सपोर्ट है। अब उनको जगह चाहिए। ऐसी बहुत सी इंडस्ट्री मेरे पास आ रही है कि जिनको इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनानी है। मैं आपके जैसे एंटरप्रेनर्स को अनुरोध करूंगा कि आपके बड़ी इंडस्ट्री के साथ आपके क्लस्टर्स के लिए आप हमारे पास आइए। और दिल्ली मुंबई हाईवे जो है ये लगभग 60% काम शुरू हो गया है, लैंड एक्विजिशन लगभग हो गई है और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में करने का हमारा मानस है और इससे 220 डिस्टेंस कम हो रहा है, किलोमीटर डिस्टेंस कम हो रहा है। और इस रोड को जो सोना से शुरू होगा गुड़गांव के पास से, तो सवाई माधोपुर अलवर होकर झाबुआ रतलाम से बड़ोदरा से मुंबई जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है जिसमें आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये हाईवे ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया से जा रहा है, ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया ऑफ हरियाणा,
राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, और इसमें लैंड एक्विजिशन कॉस्ट लगभग 15 से 20 लाख रुपए एकड़ तक आ रही है, जो बाकी इसमें बहुत ज्यादा है। हमने 16,000 करोड़ केवल लैंड एक्विजिशन में बचा है। अगर हम अहमदाबाद सूरत वडोदरा लाइन से जाते हैं उसके आसपास से, तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट काफी बड़ी होती। वो हमने यहाँ बैकवर्ड एरिया से ये हमने करने के कारण हमारी 16,000 करोड़ बची है। मैं अनुरोध करता हूँ कि आपके माध्यम से आप स्पेशली आपके बड़े इंडस्ट्रीज के अलग अलग प्रकार के क्लस्टर्स, कोई पेट्रोलियम क्लस्टर होगा, कोई प्लास्टिक का क्लस्टर होगा, कोई फूड आइटम्स का होगा, कोई का टेक्सटाइल का होगा, कोई लेदर गारमेंट लेदर के होगा, तो आप ऐसे क्लस्टर जो हम लोग रेलवे और पोर्ट इसके नजदीक हो, ये भी इसकी चिंता कर रही। इस रोड से आप कांडला पोर्ट को हम आपको जोड़ सकते हैं, रेलवे लाइन के लिए भी जोड़ सकते हैं, वहां कुछ एयरपोर्ट भी बनाए जा सकते हैं, कुछ स्मार्ट सिटी जैसे स्मार्ट विलेजेस बनाने की योजना अभी हमने एमएसएमई में ली है। तो मुझे लगता है वहां आपको लेबर कॉस्ट काफी चीप पड़ेगी, लैंड कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी, जिसके आपकी कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी, और वहां पावर भी आपको मिल जाएगी। और मैं ये मानता हूं कि वहां जो ट्राइबल एरिया होने के कारण, बैकवर्ड एरिया होने के कारण, लेबर कॉस्ट में भी बचत होगी, और उसके कारण आपको वहां कुछ रॉ मटेरियल भी मिलने के लिए हम लोग वहां कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ संकट आज हमारे सामने है, इसको हमने अपॉर्चुनिटी के रूप में स्वीकारना चाहिए। और जो अमेरिका और जापान जैसे देश अब चाइना के बारे में सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस, यहाँ एक बात जरूर है कि कभी कभी एक छोटी सी बात, आप नाराज मत हुई है, पर मैं आप सब लोगों को एक बात ये सोचता हूँ कि आखिर आप ही देश के सब स्टेक होल्डर हो, वेल्थ क्रिएटर हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हो, ये देश की बैंक भी आपकी है, सरकार भी आपका है। तो आप ये सोचिए कि कौन सी बात में ब्रेकिंग पॉइंट किधर आता है। आपके बारे में सोचना स्वाभाविक भी है, नैसर्गिक भी है, और मैं मानता हूं कि वो आवश्यक भी है, और हमने उसके लिए जो कुछ करना चाहिए वो भी आवश्यक है। पर थोड़ा सा आप सरकार, बैंक और आप, ये तीनों भूमिका में बैठकर भी सोचेंगे तो कुछ बातों में आपको तीनों का भी सर्वाइवल आवश्यक है। अगर बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गई तो इंडस्ट्री कैसे चल पाएगी। तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम हमको सर्वाइव करनी है, गवर्नमेंट को भी सर्वाइव करना है। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो एग्रीकल्चर है, रूरल है, ट्राइबल है, जहां हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम जीडीपी यहाँ कम है, वहां हम लोग इस समय विकेंद्रीकरण कुछ कर सकते हैं क्या। अल्टरनेटिव फ्यूल में भी अगर हम जाएंगे तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। हम बायो एविएशन फ्यूल बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम लोगों ने एलएनजी लाने की बात की, हम सीएनजी काफी प्रमाण में पहुंचा रहे, एग्रो परली जैसे चीजों से हम लोग सीएनजी बनाना सक्सेसफुली हमने किया है, जिससे नए रोजगार के साधन मिलेंगे, कॉस्ट सेविंग होगा और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट होगा, और मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो ये नए नए इनोवेशन और रिसर्च में भी आप जैसे लोगों का और सपोर्ट फाइनेंशियली हमको चाहिए। मैं आपकी बातों को भी मैंने लिख लिया है, और मैं लगातार प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के टच में हूँ। मैं इनमें से जितनी ज्यादा से ज्यादा बातें कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी वर्किंग कैपिटल में 10% बढ़ाया, परसों मेरी स्टेट बैंक के चेयरमैन से बात हुई थी, तो वो कैपिटल इसलिए नहीं यूज कर पा रहे क्योंकि स्टैंप रजिस्ट्रार के ऑफिसेज बंद है। तो मैंने महाराष्ट्र सरकार के चीफ सेक्रेटरी को कहा था कि ये जो बाद में कंपाउंडिंग करने का वो न करने का आप ऑर्डर निकालिए, ताकि 10% वर्किंग कैपिटल का तुरंत उपयोग किया जाएगा। और दूसरा, मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कोरोना वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडस्ट्री के कामकाज को हम लोग वहां के स्थानीय कलेक्टर की परमिशन लेकर हम जितना भी धीरे धीरे शुरू कर सके तो ज्यादा अच्छा होगा। पर करते समय ये चिंता करनी होगी कि कहीं भी हम लोग कोरोना का वायरस का प्रसार करने के लिए काम कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उसको अपनाकर हमने ये करना चाहिए और इकोनॉमी को लाइन पर लाना चाहिए। मुझे लगता है ये आ सकती है, हम लोग फिर से एक बार अच्छी बड़ी जंप मारकर हम लोग प्रगति और विकास में एक सुपर इकोनॉमिक पावर भी बन सकते हैं।
ये जो पूरे विश्व का संकट है, केवल हमारे देश पर नहीं है, और इसलिए विश्व की अर्थव्यवस्था इस समय काफी कठिनाई से जा रही है, हम भी उसका एक पार्ट है। पर इस समय उन कठिनाइयों जो विश्व के स्तर पर है उसका एडवांटेज लेकर हम इसमें से चाइना या बाकी लोगों के साथ कंपटीशन में हम आगे कैसे निकल सकते हैं, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन और इसके साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, कैपिटल कॉस्ट को कम करना, पावर कॉस्ट को कम करना, लेबर कॉस्ट को कम करना, इकोनॉमिक वायबिलिटी और उसके लिए एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाना, और इसके लिए सरकार भी बहुत सी कोशिश कर रहे हैं, आप भी इसके लिए जरूर करिए। और एमएसएमई के लिए आपके जितने मुझे रिप्रेजेंटेशन मिले हैं, करीब मैंने हमारे कमिश्नर ने 150 वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एसोसिएशन के साथ संपर्क किया, मैं भी आज आपकी कम से कम 12वीं 13वीं है कि मैं सबके साथ मिलकर उनके सुझाव ले रहा हूँ, खुद नोट करके लिख भी रहा हूँ, और निश्चित रूप से आप जो जो भी सुझाव देंगे। और एक अच्छा सुझाव आया था कि अगर हमको रिट्रेचमेंट करना पड़ेगा लेबर का, तो इसके लिए भी कोई हम इंश्योरेंस पॉलिसी तैयार करें जिसमें कुछ सरकार भी कंट्रीब्यूट करे और कुछ इंडस्ट्री भी कंट्रीब्यूट करे, और अगर ऐसे लोग अगर उनको नौकरी से अगर गंवानी पड़ती है, रोजगार उनका बेरोजगार होते हैं, तो 6 महीने के लिए हम उनको कुछ व्यवस्था कर सके। तो अलग अलग प्रकार के अच्छे सुझाव आए हैं, और विशेष रूप से बैंकिंग के बारे में, रिजर्व बैंक के बारे में, और एमएसएमई के बारे में, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में, जो ज्यादातर स्टेक होल्डर है आपके साथ है। मैं थोड़ा आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो भी आप मांग कर रहे हैं और जो भी विषय रख रहे हैं, आप वो मिनिस्ट्री वाइज तैयार करिए। और जैसे मुझे आपको देना है तो एमएसएमई के विषय डायरेक्ट दो, और एमएसएमई के साथ अगर आपको लगता है फाइनेंस के लिए मैंने रिकमेंड करना चाहिए तो वो भी बातें दो मुझे। मैं क्या होगा कि उसका अध्ययन करने में प्रधानमंत्री जी ने 12 एक कमिटी सेक्रेटरीज की अपॉइंट की हुई है, तो नीति आयोग में भी कुछ काम हो रहा है, तो क्या होगा कि आपके सुझाव का उचित लोगों के पास जाकर उसका निश्चित रूप से अध्ययन करके मार्ग निकालने की कोशिश सरकार के स्तर पर होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार आफ्टर कोरोना इसके बारे में क्या करना इसके लिए चिंतित है, लगातार इसके लिए उनको परिश्रम करके इन सब बातों का अध्ययन भी कर रहे हैं, और हम सब लोग भी आप सब लोगों के सुझाव का जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे वो करने की कोशिश करेंगे, यही विश्वास मैं आप सबको देता हूं। और फिर से एक बार आपको यही कहूंगा कि हिम्मत के साथ, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताऊंगा, मैंने एक बार मेरे यंग इसमें जब मैं चुनाव हारता था तो उस समय रिचर्ड निक्सन का एक बायोग्राफी मुझे पढ़ने के लिए मिली थी, और उस समय वो वाटरगेट के कारण अमेरिका में बहुत तकलीफ में थे, तो उनको वॉशिंगटन में घर भी लेने के लिए लोगों ने वहां मना किया था, ऐसी उनकी मनस्थिति में उन्होंने अपनी वो जीवनी लिखी है। उसमें एक सुंदर वाक्य था, और वो वाक्य ये था कि द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़ता है या छोड़ने की मनस्थिति में जब आता है तब आदमी समाप्त होता है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई हमको लड़नी है, हम लड़ेंगे, हम कामयाब होंगे और हम जीतेंगे, और हम अच्छी सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे, और इस सब स्थितियों का एडवांटेज लेंगे, और डिसएडवांटेज जो है उसके ऊपर मात करके आगे जाएंगे, यही भाव आप सबके मन में भी है, और सरकार आपके साथ है, हमारी मिनिस्ट्री आपके साथ है, हम पूरी तरह मदद करेंगे, यही विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार।